ये है चाहते के रिसेंटली चल रहे ट्रैक में सानिया का रोल काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर ये तो हम सब जानते ही हैं कि सानिया रुद्राक्ष और प्रशा के बीच में गलतफहमी नफरत पैदा करने आई है, लेकिन उसने आते ही बनाया है जीपीएस को निशाना और यहाँ पर रुद्राक्ष के इमेज स्पॉइल करने की उसने करी है पूरी पूरी कोशिश। लेकिन रुद्राक्ष अपनी मजबूरी अपनी परेशानी जीपीएस को बता ही चुका है, जिसके बाद में रुद्राक्ष बहुत जल्द सामने करने वाला है प्रशा के सारी चीज़ें। जहाँ जीपीएस को रुद्राक्ष ने बता ही दिया कि सानिया उसे ब्लैकमेल कर रही है सारांश के लिए और अहाना की कैद में है सारांश और यही सब करने के लिए वही लोग उसे ऑर्डर दे रहे हैं, तो अपकमिंग ट्रैक में अकॉर्डिंग टू सोर्सेस सुनाई दे रहा है कि जीपीएस को जैसे ही अपने सेंसेस में वापस देखेंगे आप लोग, वो प्रशा को जाकर सब कुछ सच बताएंगे कि सारांश जिंदा है और अहाना की कैद में है और वही सब ये करवा रही है। इसमें रुद्राक्ष की कोई भी गलती नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या प्रशा अपने रुद्राक्ष के साथ में उसका साथ देकर अहाना के सर से ये सारा भूत उतारती है कि वो ही सारी मेन पावर रखती है, सारांश को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख सकती है, या फिर प्रशा रुद्राक्ष की हुई हरकत पर गुस्सा करने वाली है, ये देखना होगा काफ़ी खास।